हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फेस वंस अगेन। तो आप सब लोग कैसे हो? एंड आप सब लोग अगर अच्छे हो तो ये जो एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो के देखने का पीछे का रीज़न ये है कि सर, हमारे सीटी एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। अभी 2024 हमारा 15 मार्च को एग्ज़ाम है, लेकिन सारे ही तो सर एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन यहाँ पे सर आपने क्यों बोला कि टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीयूटी पेपर? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ से मैं बताने वाला हूँ कि आपके पास एमसीक्यू पेपर तो है, लेकिन एमसीक्यू पेपर में कितने टाइप ऑफ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया रहेगा या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा विद द क्वेश्चन मार्क एंड सर चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे, एक तो आपके पास नॉर्मल एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। नॉर्मल एमसीक्यू मतलब सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है विद द क्वेश्चन मार्क एंड आपके पास चार ऑप्शन है। इजीली उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी कर पाते हो क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है क्या है। लेकिन उसके साथ ये जो तीन तरह के क्वेश्चन है, दिस आर द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन। एक तो हमारे पास आता है असर्शन एंड रीजन, दैट मीन्स आपके पास एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। अब वो स्टेटमेंट सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ उसके नीचे रीजन भी दिया रहेगा। मतलब वो जो स्टेटमेंट है, क्या उस स्टेटमेंट का रीजन जो है वो सही से बैठ रहा है या नहीं। मतलब स्टेटमेंट हो सकता है गलत हो, स्टेटमेंट हो सकता है सही हो, लेकिन उस स्टेटमेंट अगर सही भी है, लेकिन क्या उसका रीजन जो नीचे दिया गया है वो सही है, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। दैट मीन्स इस चीज में आपको अच्छे से पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ, इस वजह से मेरा जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आ रहा है। दैट मीन्स आपको जब तक रीजन नहीं पता है तब तक आप एसर्शन को सही नहीं बोल सकते, और अगर सही बोल भी सकते हो तो क्या वो सही ऑप्शन जो है उसका रीजन सच में वही जो आपके ऑप्शन में गिवेन है। तो इसीलिए जो एसर्शन एंड रीजंस वाला जो स्टेटमेंट है तो होता है, इसको बहुत अच्छे से करना, ठीक है, एसर्शंस एज वेल एज जो रीजंस। तो आपके पास इस तरीके का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा, इसके साथ नीचे रीजन दिया रहेगा। अब आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, हो सकता है कि स्टेटमेंट और एसर्शन इज वन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट रीजन फॉर द फर्स्ट वन, या फिर हो सकता है फर्स्ट वन इज करेक्ट बट द सेकेंड वन इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर दिस क्वेश्चन, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट वन इज रॉन्ग एंड द रीजन इज राइट एंड फर्स्ट वन इज रॉन्ग एज वेल एज द रीजन इज रॉन्ग। मतलब देखो, एसर्शन एंड रीजन रीजन में क्या है कि आपके पास हो सकता है स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है और उसके साथ जो रीजन गिवेन है वो रीजन हो सकता है सही रीजन है उस गलत स्टेटमेंट के लिए, कि इसके वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूनिक चीज है आपको जो सीयूटी में देखने को मिलेगा, जो आपके जैम के पेपर में नहीं था। जैम के पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यू, डायरेक्ट एमएसक्यू, डायरेक्ट एनएटी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, लेकिन इतने सारे टाइप्स और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद सर मैच द लिस्ट इन द टेबल, यहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। कैसा, आपके पास हो सकता है कि चार यहाँ पे लिस्ट में, लिस्ट वन में चार ऑप्शन गिवेन हो, लिस्ट में चार ऑप्शन गिवेन हो, लेकिन लिस्ट जो टू है और लिस्ट जो बी है यहाँ पे आपके पास छह सात ऑप्शन गिवेन हो सकता है किसी एक के साथ कोई दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी एक ऑप्शन के साथ कोई ऑप्शन करेक्ट ही नहीं हो। मतलब यहाँ पे सात गिवेन है जिसमें से चार ऑप्शन और दो ऑप्शन शायद ही बेफालतू तो दिया गया है जिसका किसी के साथ भी रीजन नहीं है। इसीलिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, और इसमें आपका टाइम लगने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको डायरेक्ट लिस्ट देख के ही पता नहीं चलेगा। हो सकता है चार लिस्ट है और उसके साथ चार ए एंड बी दो कॉलम है, दोनों में ही चार चार है, तब तो आपको थोड़ा बहुत जल्दी में हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि अनइवन है, किसी एक में तीन है, किसी एक में पांच ऑप्शन है, तो उस केस में आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सो ये जो क्वेश्चंस है, ये तीनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोगों का मार्किंग जो है वो नेगेटिव होने वाला है। आपको सारे आंसर्स पता है, लेकिन आप लोग जो ऑप्शन गिवेन है उस ऑप्शन में सही से टिक नहीं कर पाए कि ये स्टेटमेंट था तो इसका रीजन ये नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है, या फिर इसीलिए स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एसर्शन एंड रीजन में, एज वेल एज मैच द लिस्ट इन द टेबल। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पीवाईक्यू उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, आप एक बार जाके देख लेना, क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन होता है एक दूसरे के साथ। आप लोग लाएगा, अरे ये ऑप्शन ऑलमोस्ट इसके साथ सही है, यार ये ऑप्शन ऑलमोस्ट इसके साथ सही है, तो इसके लिए आपको
एग्जैक्ट नॉलेज होना जरूरी है कि एग्जैक्टली किस वजह से क्या और किसका लिस्ट के साथ कौन सा लिस्ट मैच हो सकता है। सिमिलर तरीके से स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एज वेल एज स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव, इस तरह का आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू ऑलमोस्ट असर्शन एंड रीजंस के जैसे है, लेकिन 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 स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू में थोड़ा सा अंतर है। ये रीजन नहीं बताते, ये दो ऑप्शंस बता देते हैं, दो रीजंस लाइक दो स्टेटमेंट देंगे, दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दो स्टेटमेंट सही हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? दो स्टेटमेंट ही सही हो सकता है लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू किसी एक पर्टिकुलर सब टॉपिक का स्टेटमेंट हो सकता है। जैसे मान लो कि डिफेक्ट्स है, डिफेक्ट्स के बारे में आपको पूछा गया है, फ्रिंकल डिफेक्ट्स के बारे में एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट्स के बारे में। अब हो सकता है दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये डिफेक्ट से क्वेश्चन आया है, हो सकता है एक 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 स्टेटमेंट सही है एक गलत है, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है कौन सा सही है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू में नहीं आते, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और ये जनरल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जहां पर आपको थोड़ा सा थिंकिंग कैपेबिलिटी को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑप्शन विद इमेजेस जो है ये आपके लिए इजी है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि आपको पास इमेज दिया रहेगा और आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन सा स्टीरियो इस्तेमाल होगा कौन सा नहीं होगा, इनकरेक्ट करेक्ट। तो ये जो इनकरेक्ट एंड करेक्ट वाला जो पार्ट है इसको देख के अच्छे से ऑप्शन विद इमेज के साथ कर लेना। तो ये जो चार टाइप ऑफ पांच टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया कि हाँ इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या क्या फोकस करना चाहिए वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपको, जो भी स्टेटमेंट गिवेन है लिस्ट में, जो भी चीजें गिवेन है, से फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सेवन लैटिसेस होते हैं ना, उस लैटिसेस के रिगार्डिंग कि हेक्सागोनल ट्राइगोनल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, और आपके पास चार ऑप्शन पांच ऑप्शन दिया रहेगा, उनमें से कौन सा सही होगा, और उसके हिसाब से आपके पास ऑप्शन में वन के लिए फोर, वन के लिए थ्री, टू के लिए थ्री, इस तरह के कॉम्बिनेशंस बना के देते हैं, डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं पूछते, कॉम्बिनेशंस बना के देते हैं। तो वो सारे चीजें आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अच्छे से देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्ट नॉलेज होना जरूरी है एंड माइन्यूट डिटेल्स आपको देखना जरूरी है, एग्जैक्ट नॉलेज माइन्यूट डिटेल्स इन द स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीजें, प्लीज आप लोग जरूर इसको अच्छे से देखना, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसके साथ साथ ध्यान से एकदम विद द फोकस्ड वे में रीड द क्वेश्चंस, रीड द स्टेटमेंट, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ना बहुत अच्छे से हैंडल करने आना चाहिए, तभी आपका एग्जाम में आंसर और एग्जाम का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत बेहतरीन देखने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना सा ही बोलना था, तो एक बार फिर से PYQs डाउनलोड कर लो फटाफट से, हमारे ऐप में चले जाओ, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे जाके आप 1 rupee टेस्ट सीरीज ले लो, वहाँ पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ PYQs ले लो, वहाँ पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो PYQs का सॉल्यूशन भी हम लोगों ने करके रखा है, तो ये जो दो चीज़ के लिए प्लीज़ हमारे ऐप पर जाके एक बार विजिट कर लो, IFS ऑनलाइन ऐप पे, सॉरी IFS ऑनलाइन वेबसाइट पे, ठीक है, जाके रजिस्टर कर लो फटाफट से रजिस्टर कर लेना, और जाके ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे गिवेन है वो सारे देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज़ें, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है मुझे पता है, तो और चार ही दिन तीन ही दिन बचा है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एज मच एज पॉसिबल। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।